हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सभी, कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? बढ़िया। सो आज हमारा 36th नंबर का लेक्चर है। जी हाँ, 36th नंबर के लेक्चर है। तो ऑलरेडी एग्जाम बहुत पास में आ चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, जो हमने पढ़ी हैं उनको आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे होगे। जिस स्ट्रेटजीज पे हमने डिस्कशन किया हुआ था, किस तरह से आपको यूनिट्स को रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होगे। सो डियर, इंडिया की लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो डियर, आप हमारे बस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मली फ्री क्लासेस में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। लाइक जो फ्री पीडीएफ्स होती हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, उससे भी बहुत अच्छी पीडीएफ्स आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस यहाँ पर मिलेगी, कंसिस्टेंट रहते हैं हमारे सारे के सारे एजुकेटर यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है, आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, तो ये सारी चीजें केवल और केवल आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो प्लस प्लेटफॉर्म में भी दो तरह के होते हैं। एक अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करते हो, तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बना पा रहे हो, आपको पता नहीं, आप नहीं कर पाते हो कि 1 महीने में हम इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक हमारा पर्सनल जो मेंटर होता है, ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो आप उस मेंटर से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज बनवा सकते हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह से क्वेश्चंस करना है, मींस सारा जितना गाइडेंस होता है एमपीपीएससी के रिगार्डिंग, वो आपके लिए यहां पर गाइड करेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन को चूज करिएगा। इसके अलावा जो हमारे न्यू कोर्सेज हैं, लाइक जो हमने लक्ष्य टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, संकल्प हमारी टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक क्विक रिविजन बैच हमने जो टारगेट किया हुआ था एमपीपीएससी के लिए उनको, और इसके साथ साथ जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज आए जो 8 मंथ में हम लोग प्री प्लस मेंस कवर करवाने वाले हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर। तो इनको ज्वाइन करने के लिए फॉर दिस यू हैव टू यूज माय कोड ADYT। AD मींस अंकुर दुबे एंड YT इज फॉर YouTube। तो अगर आपने मेरा कोड यूज किया हुआ है तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंट। तो प्लीज कभी भी जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड यूज करिएगा, 10% डिस्काउंट। बट हाँ, अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, आज की डेट में 15 तक, तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने फ्री यहाँ पर मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, कुछ घंटे बच्चों में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने में तो प्लीज मेरा कोड यूज करिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट बताना है आपको इसका आंसर। तो गोल्डन राइस को किस विटामिन की भरपूर मात्रा के लिए तैयार किया गया था? आंसर रहेगा इसका हमारा डी, माय डियर। ओके, नेक्स्ट, यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे? मैंने जो हमारा आंसर रहता है ना, आंसर को मैंने 5 सेकंड का कर रखा है कि 5 सेकंड के लिए बस आंसर दिखेगा आपको और फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ठीक है, आंसर आपको 5 सेकंड तक दिखेगा और फिर इनविजिबल, ये सबसे बेटर चीज है। नेक्स्ट, एग्मार का संबंध है, बताएं किससे है? आंसर रहेगा गुणवत्ता से। इसका जो तो संबंध होता है वो गुणवत्ता से होता है। राइट, निम्नलिखित में से किस में नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग संभव है? किसमें संभव है? बताएं, आंसर है 1, 2, 3 दोनों। नेक्स्ट वन, किस देश में प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया गया? इस देश में किया गया था, क्या आंसर रहेगा इसका बताइए? यूके, अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका। प्रेमवती भी, उषा, कैलाश, आप लोगों को पता है ना कल सेशंस है आपके, 1 सुबह 8 बजे है, दूसरा 3 बजे है और एक आपका 9:30 बजे, ये सेशंस आपके होने वाले हैं।
ठीक है, आंसर बताओ सिक्स का। भारत है ना, डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आंसर क्या रहेगा इसका? बी है माय डियर इसका आंसर। ठीक नेक्स्ट, नवीन प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवीन प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना, आंसर रहेगा इसका बी माय डियर। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है ना एमएस वर्ड 2010 में मौजूद नहीं है? मुस्कान, प्रियंका, गोविंद अहिरवार जी, लोकेश, शिवराज। आंसर इसका तो आंसर बताओ नाइन्थ का क्या रहेगा? पढ़ लिया, आंसर इसका यह गलत वर्ड को सही कर देता है। नेक्स्ट, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो आंसर है डी, दूरसंचार नियामक की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सो इसका आंसर क्या रहेगा डियर? 12th नंबर का। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस कार्य के लिए भारतीय कंपनी द्वारा किया गया था? तो आंसर रहेगा इसका हमारा सी माय डियर, ओके, टाटा कंपनी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है ना, 5 सेकंड के लिए आंसर आता है फिर ब्लिंक हो जाता है, तो मुझे बार बार चेंज करने का भी सिस्टम सही है, 7 सेकंड भी कर सकते हो इसको। बताइए काजल जी, उषा, रितु, सोनिया, लोकेश, प्रेमवती जी, क्या आंसर इसका? वेरी गुड राधेश्याम जी, आंसर रहेगा इसका ए। ओके अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? इस काल में हुई थी, आंसर बताओ उसका, आंसर है डी माय डियर। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? आंसर है सी माय डियर, आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन बताओ, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? ऐसे क्वेश्चन के लिए तो 10 सेकंड का टाइम भी बहुत, या तो बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा।
थे? आंसर इसका ए माय डियर, ठीक है, प्रतिष्ठान। अगला, आधुनिक में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन सी गुप्तकालीन मुद्रा है? प्रेरणा, प्रज्ञा, मोनिका जी, सोनाली जी, बताइए आंसर मैम। सोनाली वाडेकर, प्रियंका त्रिपाठी, लक्ष्मी परमार जी। आप सभी लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो ना, पीडीएफ तो मिल जाती है, सी सेट पढ़ लिया पीडीएफ से। इसका आंसर, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? गाइस कुछ मिनट्स के लिए सेशन म्यूट है, एंड प्लीज आप लोग क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है? कोई बड़ा क्वेश्चन होगा या छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको टाइमर से यहाँ पर सेट कर दूंगा।
साउंड नहीं आएगा लक्ष्य जी, बस कुछ मिनट्स के लिए पर फील करो, एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, क्वेश्चंस कर रहे हो ओएमआर पे, थोड़ा उस प्रेशर को भी तो फील करो यार, मेरी वॉइस में क्या क्वेश्चन तो चल ही रहे ना सामने, ठीक है, थोड़ा सा फील करना केवल कुछ क्वेश्चंस के लिए भी उठा, ओके।
सो गाइस मोनोजाइट इसका आंसर था बी, तो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो डियर अनअकैडमी को आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी फुल लेंथ टेस्ट सेशंस पूरी की पूरी चल रहे हैं, तो ऑलरेडी आज आप 36 नंबर के सेशंस पे जुड़े हुए। हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ दिया जाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर दुबे अनअकैडमी पर ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही ये हमारी क्लास खत्म होगी तुरंत आपको इस क्लास की प्रिंट आउट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के अलावा दो और मेरे टेलीग्राम चैनल है, एक लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और एक अभियान, इनको ज्वाइन करो। अभी ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाओ। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। तो अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं, अगर आप अकेडमी के प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज माय कोड फॉर 10% डिस्काउंट। कोड इज ADYD अंकुर दुबे यूट्यूब। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वर्णयुग का विचार है ना, किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले बताइए। गाइस कुछ टाइम के लिए सेशन म्यूट है, प्लीज आप लोग थोड़ा एग्जाम प्रेशर को फील करो। मैं यही हूँ भाई, जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, दिखता रहूंगा आपको, बट एग्जाम प्रेशर को फील कर रहा है। तो
गाइस इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है। मैं इस बार जो पिछला क्वेश्चन था उसको फिर से आगे कर देता हूँ, है ना? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? इलेक्ट्रिसिटी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तो बताइए ग्वालियर की परंपरागत बुढ़िया शिल्प कला की श्रेष्ठ कलाकार कौन है? गाइस ये यूनिट वन का क्वेश्चन है। यूनिट वन में आपने लास्ट में देखा होगा, लिखा होगा प्रमुख व्यक्तित्व, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमपीपीएससी में। लास्ट ईयर अगर आप 5 ईयर्स के पेपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शायद आपने बिरसा मुंडा के बारे में सुन रखा होगा। बिरसा मुंडा का क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर आया था, आदिवासी, है ना? तो ये जितनी भी जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि जितनी चीजें सिलेबस में लिखी हुई है वो सारी चीजें तो आपको पढ़ना ही है ना? तो बताइए इसका आंसर। पूजा, मोनिका, आशी, प्रज्ञा, रीना, प्रतिमा, महेंद्र जी एंड बाकी सभी। इलेक्ट्रिसिटी इशू है इसलिए मैं आई डोंट नो कि मेरा इन्वर्टर भी कब तक चलेगा, क्योंकि तीन तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। लाइक्स बहुत कम है यार सर। बताइए 89th का आंसर क्या रहेगा? प्रशासनिक अधिकरण, आंसर इसका डी, 1985, 1985 में होगा। और आप में से जिस किसी ने भी मेरी क्लास की मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अंकुर दुबे अनअकैडमी, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ, प्रिंट आउट पीडीएफ होती है, मैं जस्ट आपको इस क्लास के बाद ही अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे, है ना? वो पूपू इसलिए बोल रहा है क्योंकि इन्वर्टर चालू है ना, मैं म्यूट कर देता हूँ, लोग पूपू नहीं बोलेगा। ठीक है करो भाई। इससे शुरू किया आ गया ना? अब तो पॉज नहीं दिख रहा। मैंने बोला ना कि वो लैपटॉप मेरा इशू कर रहा है, बीच में कभी कभी बंद हो जाता है। सेशन तो पूरा होगा। ठीक है 90 सेकेंड का आंसर क्या है? नहीं इन्वर्टर इतनी जल्दी नहीं जाता, थोड़ी देर तो चलेगा, अभी लैपटॉप गया, इन्वर्टर जाएगा तो ग्रुप पर मैसेज लिख दूंगा। जल्दी से 8 क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना? तो इसका आंसर था हमारा डी, माई डियर। ओके, क्योंकि अगर कीड़े वगैरह बैठेंगे ना बोर्ड पर तो वो टच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो ये टच अपने आप हुआ ना, तो बहुत सेंसिटिव है हमारा डिजिटल बोर्ड। द्वितीय महिला पंचायत का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक है 7-8 क्वेश्चंस है, फटाफट हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो आंसर क्या है इसका? 93rd का आंसर है सी डी। ठीक है 2015 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये सीधा आपका जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 की जो 3रे नंबर का पॉइंट है, डायरेक्ट लिख रखा है वहां पर, राज्यपाल, मंत्री परिषद, संसद। तो राज्यपाल पढ़ना है, केवल राज्यपाल के अनुच्छेद नहीं, मध्य प्रदेश के कितने राज्यपाल रहे, किन के पीरियड पे क्या हुआ है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल हमारा लगता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, वो किसके टाइम पीरियड पे लगा, उसका टेन्योर कितने टाइम पीरियड था, तो इन सारी चीजों को हमें कवर करना होता है। अगला, छठे शिशु जन्म के किस दिन, है ना, कोबर की भांति बनाया जाता है? तो ये आपका टॉपिक 1 से कवर करता है। ठीक है, लोक साहित्य वगैरह, संगीतकार, पर्व, तो ये उस टॉपिक से रिलेट करता है। तो जनजाति से संबंधित जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, ठीक है, जैसे कि बिहू का भी क्वेश्चन आया था आपसे, और हमारे झाबुआ का जो सबसे फेमस फेस्टिवल होते हैं वो,
इनको याद रखना है, सब इंस्पेक्टर में काफी ऐसे क्वेश्चन आएगा। राजा शंकर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है एबीपीएससी में, शंकर शाह से रिलेटेड, बोधन दहुआ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगेन पर्सनालिटी, जो फेमस पर्सनालिटीज रही है खासकर जो जनजाति से संबंधित रही है वो आपको याद रखना है। इनका जन्म सी, ठीक है, 1783 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। 2015 का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में सागौन के वनों का प्रतिशत कितना है, उस समय जो वनों का प्रतिशत था लगभग 17.78% था। आज अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 के अनुसार लगभग 19.28 के आसपास प्रतिशत हो गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं, तो प्लीज इनको याद रखना। जो मंडला वाला बालाघाट सिटी वाला हिस्सा है हमारा, बघेलखंड और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है वहां सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। सेकेंड लास्ट, सॉरी थर्ड लास्ट, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित है। तो औद्योगिक पार्क से रिलेटेड एक आपसे डेट्रॉइट का क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। बेसिकली अमेरिका का एक शहर है जहाँ जो ऑटोमोबाइल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो हमारे यहाँ पर पीतमपुर देखोगे तो इस चीज के लिए फेमस है, तो हमारे यहाँ का डेट्रॉइट भी कहा जाता है इसको। सेकेंड लास्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO है ना 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। तो भोपाल का, हमारे काफी सारे स्टेशन, अब मैंने ही आंसर बता दिया, तो यार आंसर देख लो, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसको नाम बदल के अब कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, भारत का पहला ऐसा प्राइवेट स्टेशन बना है जिसको बंसल ग्रुप ने बनाया हुआ था, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, ये क्वेश्चन एनटीपीएससी में 2 बार आया है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो विंध रेंज है, विंध रेंज को जो तीनों भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, उसकी ग्वालियर श्रेणी कौन सी होती है, ग्वालियर के बाद उसके जो पूर्वी वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, धूपगढ़, महादेव श्रेणी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ये एनटीपीएससी का जो Unit 3 है उसमें डायरेक्ट ये चीज लिखा हुआ है। सो डियर, जब भी आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे यू विल यूज माई कोड ADYT फॉर 10% डिस्काउंट अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। आपको अगर आप अभी कर रहे हो तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने आपको फ्री मिलेगा। फिर जितने भी हमारे जो प्लस क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, इन सभी को आप अटेंड कर सकते हो। तो डियर इन्वर्टर कम, मतलब आप लोग अपने जो भी आंसर्स हैं आपके, ठीक है, जितना आपका स्कोर रहा है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता देना। कल सुबह आपकी क्लास होगी 8 बजे और दूसरी क्लास है 3 बजे। Unit 7 के क्वेश्चंस करेंगे हम सुबह 8 बजे और फिर 8 के क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट। कम टाइम है, 15 तारीख है, फटाफट सेशंस करना है। ओके, मैं ब्लैक इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना महेंद्र जी। ओके, Unit 6 के क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा आयुषी, इलेक्ट्रिसिटी करा देता ना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बंद नहीं करूंगा तो बोर्ड चला जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आप लोग सपोर्ट बता देना मुझे, है ना।